हेलो एवरीवन, एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ की तरफ से प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2023 विज्ञापन जारी हुआ था। परमानेंट सरकारी नौकरी का सैलरी 50,000 आप लोगों को यहां पर दी जाएगी। अंतिम तिथि जो है बढ़ा दी गई है, 30 नवंबर कर दी गई है। जो भी आवेदन से चूक गए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। बीएड, बीटीसी, डीएड, सीटेट सभी जो है यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। सभी राज्यों से आवेदन यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले पब्लिक नोटिस जो है वो दिखा देती हूँ। तो ये जो विज्ञापन जारी हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एक और पब्लिक नोटिस आया है रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक टीचर, जेबीटी की जो वैकेंसी आई थी। तो एक और पब्लिक नोटिस डेट को बढ़ाने से संबंधित आ गया है। यहाँ पर जो स्टूडेंट रह गए हैं जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरना था बट नहीं भर पाए, लास्ट डेट निकल गई। तो लास्ट डेट फॉर क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अब जो है हो गई है 30 नवंबर 2023 5 बजे तक। लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन फीस की है 2 दिसंबर 2023। ठीक है, यहाँ पर जो पोस्ट हैं जूनियर बेसिक टीचर जेबीटी की 293 पोस्ट हैं। और मैं आप लोगों को दोबारा से जो है यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है, पे स्केल है वो दिखा देती हूँ। द पे स्केल फॉर द पोस्ट ऑफ जेबीटी इज 9300 34800, ग्रेड पे 4200। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग जो है वो 50,000 से भी अधिक आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। बिल्कुल रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट सरकारी नौकरी है। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन के साथ में डिप्लोमा है, आपने डीलेड किया है, बीटीसी किया है, बीएसटीसी किया है, वाई वट एवर नेम नॉन जिस भी नाम से जाना जाता हो, ठीक है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। या फिर ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ आपने बीएड भी किया है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। और सीटेट जो है वो पास होना चाहिए, जैसे पेपर वन है या पेपर टू है, आपका जो है क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो है मैं वीडियो बना चुकी हूँ इस पर, लेकिन डेट जो है वो बढ़ गई है। और आप लोग दोबारा आवेदन अगर करना चाहते हैं, पहले रह गए हैं, तो रेगुलर बेसिस पर ये वैकेंसी है। 149 जनरल की सीट है, ओबीसी की 56 है, एससी की 59 है, 29 ईडब्ल्यूएस की है, और कुल 293 यहाँ पर सीटें हैं। पहले जो है 20 जुलाई 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट थी, उसके बाद एक बार और बढ़ाई गई और ये जो है वो थर्ड बार जो है इसे बढ़ाया गया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 40% मार्क्स जो है आपके यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स जो है रहेंगे, आपका एग्जाम रहेगा 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स ये रहेंगे। जनरल अवेयरेंस, रीजनिंग, मैथ्स, टीचिंग एप्टीट्यूड, और इसके अलावा जो है आईसीटी के क्वेश्चन, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और सोशल साइंस, इस तरीके से जो है 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहेंगे। 40% मार्क्स जो है आपको लाने जरूरी हैं। और यहाँ पर जो है आप लोगों का जो क्वेश्चन पूछने का लेवल है वो 10th स्टैंडर्ड रहेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। एज की अगर हम बात करें तो 31 से लेकर जो है 37 वर्ष एज रहेगी। एप्लीकेशन फीस जनरल कैटेगरी की 1,000 रुपये है और एससी की जो है 500 रुपये है। ठीक है, तो ये कंप्लीट जानकारी जो कि दोबारा मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाई है। अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो ये इसकी मेन वेबसाइट है, लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी और आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये इसकी मेन वेबसाइट है, सबसे पहले आप लोगों को मेन वेबसाइट पर आना है। तो यहाँ पर डेली सर्कुलर में सबसे ऊपर ही है पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक टीचर। और जो स्टूडेंट पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की भी वैकेंसी यहाँ आई हुई है, वीडियो बिल्कुल बनाया है मैंने, आप लोगों ने नहीं देखा है तो बिल्कुल यहाँ पर आकर जो है आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लेक्चरर की जो वैकेंसी आई है उसे भी आप देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट नोटिस यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इसे व्यू ऑल पर पहले क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। पहला जो है वो जेबीटी के लिए जो पब्लिक नोटिस आया ये आपको देख लेना है, और जो भी लेक्चरर पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ये भी परमानेंट है, रेगुलर पोस्ट है। ठीक है, सरकारी नौकरी है तो यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट नोटिस जो है इसका भी आया हुआ है। तो बहुत अच्छी जो है वो वैकेंसी आई हुई है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म भरिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।